तो आज डेट है 22 अक्टूबर, 22 अगर फोकस हो रहा है तो 22 अक्टूबर। और मैंने कल रात को अपने कलीग को GTA 5 का लिंक दिया था डाउनलोड करने के लिए, तो अब ऑफिस जाना है मेरे को, तो ऑफिस अपना है ईस्ट ऑफ कैलाश में। से पहले यार मैं अभी उठा ही था, तो अभी ब्रश वश करेंगे, नाश्ता करेंगे, उसके बाद चलेंगे, ठीक है? तो GTA 5 आज। Dime Ronaldinho, siendo una leyenda lo sabía desde niño, fuese mi cariño. तो मेरे सब्सक्राइबर्स जो पूछ रहे थे मेरे से कि 65,000 के अंडर में कौन सा लैपटॉप अच्छा है, तो वो मैं लेने जा रहा हूँ और उसका रिव्यू भी बनाऊँगा, टेस्ट करूँगा मैं पहले। बाकी कलीग्स ने तो टेस्ट कर लिया है एडिटिंग के पर्पज़ के लिए, मेरे को फीडबैक आ गया, बाकी मैं भी ट्राई करने वाला हूँ और उसमें गेम भी खेलूँगा, तो बताऊँगा फिर रिव्यू में। बाकी अगर किसी को अभी परचेज़ करना है वो लैपटॉप बिना रिव्यू देके, नीचे अगर किसी को ख़रीदना है या देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा अमेज़ॉन का, वहाँ से आप ख़रीद सकते हो, ठीक है? और अगर किसी को ऑफ़िस देखना है मेरा, तो देखो ऑफ़िस ये है, ये ऑफ़िस है, ये लैपटॉप, इससे मॉनिटर, मैंने मॉनिटर कैसे कनेक्ट कराया यार बंदे पूछ रहे थे, तो ये मैं ना यार HDMI केबल से, ये देखो ये HDMI केबल आती है 10-20 पता नहीं कितने रुपए की ये, और फिर वो मॉनिटर के पीछे जाके लगती है, ऐसे कनेक्ट होता है लैपटॉप से मॉनिटर। बाकी ये देखो उसका नाम है जैक, सो रहा है, उए उए जैक काटता बहुत है, हेलो बोल, हेलो बोल, अच्छा अच्छा सो जा सो जा सो जा, बहुत काटता है, हर जगह काट रखा है मेरे को, हाथ और मुंह पे सब जगह। अपनी बाइक ठंडी पड़ी होगी, इसको चालू करेंगे, एक बारी में गर्म होती नहीं है, मतलब स्टार्ट नहीं होती, देखते हैं। हो गई पहले ऐसे ब्लॉग्स बनाया करता था, तो मैंने कहा दोबारा ट्राई करते हैं। Somos la leyenda viva. Stop. Yo no la vivo para que opinen sobre mi estilo como me defines. Tú no eres Dios para que me ilumines, pa que no hables a ver si es que tú mejor te afines. तो अपन आ गए हैं ऑफिस में, तो बंदे बंदे कम है अभी, तो इसलिए अंधेरा कर रखा है। अपन तो आए लेकिन GTA 5 और Asus के लैपटॉप के लिए। भैया ये अपनी हार्ड डिस्क में मैंने GTA 5 डाल दी है और अब चल रहे हैं घर, और ऑफिस वाले कंप्यूटर में भी इंस्टॉल हो रही है। बाकी अपन इधर तो खेलेंगे नहीं, अपन को तो घर पे जाना है, तो अब घर चलते हैं। बाकी एक Asus का लैपटॉप भी मैं जो बता रहा था कि लेके आना है, तो वो मैं उठा रहा हूँ। देखो लैपटॉप आ गया है, ये रहा लैपटॉप, और इसको खोलेंगे एक हाथ से। तो एक चीज़ मैं सिखा देता हूँ, अगर तुम्हारा कंप्यूटर स्लो हो गया है बाई चांस, ठीक है, लैपटॉप या कंप्यूटर, तो एक चीज़ दबानी है, वो करना है, मैं बता देता हूँ अभी, ठीक है? देखो इसमें SSD लगी हुई है मॉडल में, इधर जाओ दिस PC में, तो इसमें SSD लगी हुई है, देख लो कितने GB की, 250 GB की है। तो विंडो आपको क्या दबाना है, Windows+R, ठीक है, Windows+R, यहाँ पे लिखना है परसेंटेज, एक सेकेंड जूम करता हूँ, ये जो है परसेंटेज टेम्प, फिर परसेंटेज, ठीक है, और फिर एंटर दबा दो, तो आपका लोकल टेम्प खुल जाएगा। कंट्रोल ए कर दो, पहले सारा सेलेक्ट हो गया है,
अब शिफ्ट प्लस डिलीट दबाओ और डिलीट कर दो, तो ये जो भी कचरा है वो डिलीट हो जाएगा। 23 GB का इसमें कचरा था और वो डिलीट हो रहा है, ये वेस्ट होता है पूरा। ठीक है, तो ये छोटा सा हैक बता दिया मैंने अपने सिस्टम में, करके देखना फास्ट हो जाएगा। सारे लैपटॉप में भी मैं GTA 5 इंस्टॉल करके खेलूँगा, ट्राई करूँगा, टेस्ट करूँगा, और इसका लिंक तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल के रखा हूँ, तो जिसको ख़रीदना हो ख़रीद लेना। बाकी अपने लैपटॉप में भी मैं डालूँगा GTA 5, क्योंकि उसमें भी देखना है MX 130 जो मेरा ग्राफिक कार्ड है उसमें कैसे चलता है GTA 5। पहले भी मैंने खेली है लेकिन अभी शायद 1 साल हो गया मेरे को खेले हुए, तो दोबारा इसलिए मैं लेके जा रहा हूँ टेस्ट के लिए। अपने लैपटॉप में भी खेलेंगे बड़े मॉनिटर में। तो भाई घर पे आ गया हूँ मैं लेके, और टाइम 4:31 हो रहा है दोपहर में। तो GTA 5 लेके आ गया हूँ मैं, हार्ड डिस्क में मैं कॉपी करके लाया था, और ये हो रही है कुछ, अगर मैं ब्राइटनेस कम करूँ तो देख लो। तो ये पूछ रहा है ओके करने के लिए, अब ओके करेंगे। ये देखो, तो भाई फाइल्स जो हैं वो अनपैक हो रही हैं, मतलब 38 GB का सेटअप है। अब ये अनजिप होगी, फिर ये कुछ 60-70 GB की फाइल बनेगी, और फिर खेलेंगे GTA 5। हाँ, मैं बताना भूल गया यार कि मैं नेहरू प्लेस गया था कल गेमिंग PC पता करने के लिए। तो ये अभी जा रहे हैं नेहरू प्लेस, तो जनरेशन नेक्स्ट करके शॉप है, वहाँ गया था मैं, और मैं फाइनेंस का पता करने गया था, बट वहाँ फाइनेंस हो नहीं रहा। वो बोल रहा है या तो क्रेडिट कार्ड या तो फिर कैश, और अपने पास दोनों ही नहीं है, तो इसलिए मैं पता करने गया था, क्योंकि मेरे पास HDBFS करके जो फाइनेंसर्स हैं उनका कार्ड है, तो मैं उससे EMI बनवा लेता हूँ, जैसे मैंने अपने एयरपोर्ट्स की बनवाए थे। तो वहाँ वो हो नहीं रहा, तो मैं ये ढूंढ ही रहा हूँ नेहरू प्लेस में कहाँ हो रहा है, या कोई वेबसाइट कर दे, अगर नहीं होता तो देखते हैं। बाकी स्पेक्स मैंने अपने पता करवाए थे, तो 1,04,000 का बन रहा है कोटेशन में। अब पैसे इकट्ठे करने पड़ेंगे उसके लिए, क्योंकि फाइनेंस तो कोई कर नहीं रहा है। तो अगर फ्री इंस्टॉल हो जाएगी तो मैं फिर देखता हूँ, नेक्स्ट वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। बाकी ये वीडियो यहीं तक की थी कि कैसे मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ और वगैरह वगैरह, कैसे इंस्टॉल मतलब अपने लैपटॉप में कैसे लाया ना। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, जो तुम्हें पता ही है। ऐसे क्या अच्छा होगा यार इसमें, क्या लाइक करोगे, तो बस देख ली, खुश हो गए, मज़ा आ गया, ठीक है। फिर इफेक्ट वगैरह है नहीं इस वाली वीडियो में, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।